इस लाल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए ओनली फॉर यू चैनल को, और दबा दीजिए इस बेल को ताकि हर न्यूज़ पहुंच सके सबसे पहले आप तक। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली फॉर यू चैनल। मैं हूं भारत पटेल, आपका टेक्निकल एडवाइजर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने फोन से 3D फोटो खींच सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप इस तरह से फोटो खींचेंगे तो लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आपने 360 के एंगल पर फोटो कैसे खींचा। तो चलिए शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको सर्च करना है एक एप्लीकेशन के लिए जिसका नाम है फोगी 3D कैमरा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखी है 1 मिलियन डाउनलोड्स के साथ 4.0 रेटिंग से, जो कि काफ़ी अच्छी है। अगर आप सेल्फी लवर हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बिल्कुल सही है। दोस्तों, एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अगर आपके कैमरे में थोड़ा अच्छा या ठीक ठाक रिजोल्यूशन वाला पिक्सल वाला कैमरा होगा तब आप इसका बेहतरीन आनंद ले पाएंगे। मेरा कैमरा ठीक ठाक है, उतना सही नहीं है। तो चलिए मैं इसे ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद में दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शंस हैं। तो पहला जो ऑप्शन है टैग फोजी, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये इंस्ट्रक्शंस दोस्तों आपको देखने हैं। नेक्स्ट करता हूं। पहला जो इंस्ट्रक्शन है, जिस ऑब्जेक्ट को खींचना है उस पर सबसे पहले जो है अपना ये जो पॉइंटर है इसे जो है सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये पॉइंटर आप सिलेक्ट करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या है कि आपको राइट हैंड साइड ले जाना है इस तरह से, मतलब अपने कैमरे को, और या फिर इस तरह से ले जाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आपको आपके कैमरे से इस तरह से हैंड मूवमेंट करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से हो रही है। तो अगर आपके कैमरे का रिजल्ट अच्छा होगा तो बहुत ही बढ़िया जो है रिजल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि ये बताया है कि 3D इफेक्ट के लिए आपको क्या करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर करता हूँ स्टार्ट। स्टार्ट के बाद में दोस्तों अभी जो मेरा जो मोबाइल है वो कंप्यूटर के साथ अटैच है, तो अगर मैं अपना केबल निकालूंगा तो जो है ये वीडियो बंद हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने माउस पे ही सिंपली से रख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये माउस पे ये जो आपको एक सर्कल जैसा दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको उस पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर नीचे जो कैमरा वाला आइकन है इस पर क्लिक करना है, और अब जो है मुझे इसे नीचे ऊपर नीचे इस तरह से ले जाना है। तो चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह का आपको व्यू मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा कैमरा उतना ठीक ठाक नहीं है, लेकिन आपका कैमरा ठीक है तो मैं बताता हूँ कि आप कैसा फ़ोटो ले पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हल्की सी मूवमेंट आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने अपने माउस का लिया हुआ है। ठीक है, ये उतना कोई खास नहीं बना है, लेकिन जब आप अपने लिए इसे करेंगे तो डेफिनेटली ये अच्छा बनेगा। आप देख सकते हैं कि ये जो फ़ोटो है वो इसमें ली गई है, और आप देखिए कि इसका जो रिज़ल्ट है काफ़ी बेहतरीन है। तो यहाँ से आप 360 के एंगल से इस तरह का फोटो जो है खींच सकते हैं। एक तरह से दोस्तों ये जो है GIF इमेज है। GIF का मतलब होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, और इसे जो है GIF के फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं, साथ ही साथ इसे जो है आप शेयर भी कर सकते हैं। तो ये अब ये GIF में सेव कर रहा है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन अगर आपको 3D फोटोज खींचने हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छी है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, एंड इसे शेयर करना अपने दोस्तों में बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। मैंने इसे सेव कर लिया है GIF में, और मैं इसे खोलता हूँ फोटोज़ के साथ में। तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो इमेज है वो हो गई है रेडी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।